बॉलीवुड की दो फिल्में अंधाधुन और लव रात्रि रिलीज हुई, वहीं साथ में हॉलीवुड की एक बड़ी मूवी वेनम रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो हॉलीवुड की फिल्म वेनम पहले दिन ही बाकी सभी फिल्मों पर भारी पड़ गई। वेनम को पहले दिन लगभग 50-55% दर्शक मिले, वहीं बॉलीवुड फिल्म अंधाधुन और लव यात्री की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत रही। वेनम मार्वल की साल 2018 की एक बड़ी फिल्म मानी जा रही है और इस फिल्म से मार्वल ने हॉलीवुड के बड़े स्टार टॉम हार्डी को वेनम के किरदार में उतारा है। टॉम हार्डी को इससे पहले आप मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी देख चुके हैं। वेनम किरदार मार्वल के कॉमिक से निकला है और ये कॉमिक का बहुत ही मशहूर और चर्चित किरदार है। दर्शकों की वेनम के बारे में क्या राय है ये जानने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी तक इस मूवी को ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि इस बार का शुक्रवार बॉक्स ऑफिस के हिसाब से कुछ खास नहीं रहा। लेकिन मार्वल को अपने इस किरदार से ढेरों उम्मीद है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की अगर बात करें तो हमेशा से ही हॉलीवुड की बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों को मात दे ही जाती हैं। पहले दिन का कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इन तीनों मूवीज़ के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले रहे। जी हाँ दोस्तों, जहां अंधाधुन को 2.40 करोड़ का कलेक्शन मिला, वहीं लव यात्री को 1.80 करोड़ का, वहीं वेनम ने इन दोनों के ऊपर से बाजी मारते हुए 4 करोड़ का कलेक्शन किया। जी हाँ दोस्तों, यानी हॉलीवुड बॉलीवुड पर भारी पड़ गया। ये बॉक्स ऑफिस काफ़ी ठंडा देखने को रहा। दोस्तों, आपको तीनों मूवीज़ के अंदर से कौन सी मूवी देखने जाना है, आप कौन सी मूवी देख चुके हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी है। सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबरें मिलती है सबसे पहले।